हेलो एवरीवन, जैसा कि जो इसके प्रीवियस क्विज थी उसमें हमने देखा था कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा कौन सा नहीं करेगा। अब जो नेक्स्ट क्विज हम लेके आया है वो लेके आया है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कि किसी स्ट्रक्चर में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। तो वही जैसा हमने लास्ट क्विज से स्टार्ट किया है कि अब हम हर क्विज से पहले आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे, तो उसी सीरीज में हम यहाँ बात करेंगे कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है और वहाँ पे एन नंबर सिस्टम में जो जी आई शो कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जी आई विल बी 2 की पावर n। n क्या है, सिस्टम जो क्या कर सकता है, जी आई शो कर सकता है। अब ये सिस्टम क्या है, हमने डबल बॉन्ड की बात करी, डबल बॉन्ड अगर जी आई शो कर तो वो सिस्टम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दो बातें यहाँ देखनी है। अनसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है, कोई भी कंपाउंड गिवन है आपने उसके टर्मिनल को फिक्स किया, टर्मिनल से आपने चलना स्टार्ट किया एक दूसरे की तरफ, अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो कंपाउंड क्या अनसिमेट्रिकल। CH3 CH3 तक था, टर्मिनल से नहीं आगे तक बढ़ना है, आगे तक बढ़े डिफरेंस दिख गया यानी कंपाउंड क्या अनसिमेट्रिकल। डिफरेंस नहीं दिखेगा कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब इस कंपाउंड में ये पर्टिकुलर डबल बोन जी आई शो कर रहा है तो हमारे लिए सिस्टम क्या n की वैल्यू 1 है। साइक्लिक रिंग का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने कहा था रिंग में जी आई के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए आपको sp3 वाले, जिससे BrCl है। ये पूरा सिस्टम एटलीस्ट 2 का सिस्टम हो, 2 कार्बन चाहिए, ये पूरा मिलके आपको एक सिस्टम बनेगा, तो इसके लिए भी n की वैल्यू क्या लगेगी, 1 लगेगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेके हम बात करें, हमने एलिन वाला सिस्टम कहा था, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड वाली बात की थी, ऑड नंबर में होना चाहिए। ये आपके पास एक ऑड नंबर का कंपाउंड है, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड है। अब ये तीनों पूरा एक सिस्टम इंडिकेट कर रहा है तो इसके लिए भी n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो n की वैल्यू बहुत केयरफुली आप कैलकुलेट करें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ये सारे सिस्टम के कुछ एग्जांपल हमने दिए, सिमेट्रिक वाला केस आपने देखा, एक केस क्या आ सकता है, सॉरी अनसिमेट्रिक वाला केस आपने देखा है, केस आ सकता है जब कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, उस केस में 2 कंडीशन है, n की वैल्यू इवन हो सकती है ऑड हो सकती है। एन इवन है फॉर्मूला ये लगाए गए, एन ऑड है फॉर्मूला ये लगाए गए। एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं, इवन की बात करें, जैसे कंपाउंड सिमेट्रिकली कंफर्म कैसे होगा, आपने टर्मिनल पे गए, चलना स्टार्ट किया, फिंगर के मिलने तक आपको सब कुछ सेम दिख रही है, इसका मतलब कंपाउंड क्या है आपका, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, फॉर्मूला ये लगेगा। 2 डबल बॉन्ड जी शो कर सकते हैं यहाँ पे, एक सिस्टम ये एक सिस्टम ये, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो आप फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब आपका आंसर आएगा। सिमिलरली ऑड वाला सिस्टम देखें, जैसे यहां ऑड वाला सिस्टम आपको दिख रहा है, टर्मिनल से चलना स्टार्ट किया, आपको हर चीज बिल्कुल सेम दिख रही है, इसका मतलब कंपाउंड सिमेट्रिकल है। ये डबल बॉन्ड जी आई शो करेगा, ये डबल बॉन्ड जी आई शो करेगा, ये डबल बॉन्ड जी आई शो करेगा, तो n की वैल्यू क्या आई आपके पास, 3। n की वैल्यू 3 आप पुट करेंगे तो आपका आंसर जाएगा। इसी इंफॉर्मेशन के साथ आप जो क्विज है उसको अटेम्प्ट करें। ऑल द बेस्ट फॉर द टीम, MSc सर की टीम की तरफ से आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और ये लास्ट वाली स्लाइड भी जरूर देखें इस पे बेस पे कि अगर आपने 90% से ऊपर करेक्ट किए हैं तो यू आर एक्सीलेंट, अगर आपने 80% से ऊपर करेक्ट किए हैं तो वेरी गुड, अगर आपने 70% से ऊपर करेक्ट किए हैं तो यू आर गुड। लेकिन जो गलत हो गए हैं उनको आप ज़रूर रेक्टिफाई करें और आप उनको सोचें और उनको करेक्ट जरूर कर लें कि क्यों गलत हो गए, कहाँ मैं गलत था। थैंक यू।